इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने कन्याओं के लिए बड़ा तोहफा दिया है। कन्या सुमंगला योजना के तहत धनराशि बढ़ाई गई। कितनी धनराशि बढ़ाई गई है और कब से लागू होगा, ज्यादा जानकारी देने के लिए ऑनलाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशान गुप्ता। तो निशान जी बताएं, ये कब से लागू होगा? फरमान आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में अब बेटियों को 25,000 रुपए मिलेंगे और इसका शासन निर्देश भी जारी हो गया है। पहले जो है कन्या सुमंगला योजना में अभी तक जो मिल रहा था यूपी सरकार की तरफ से, वो 15,000 रुपए दिए जा रहे थे जो 6 श्रेणियों में दिए जा रहे थे। अब आपको बता दें कि कन्या सुमंगला योजना दिनांक 1 अप्रैल 2019 को लागू हुई थी और अभी तक ये चल रही थी। और जैसा कि आगामी लोकसभा आपने बताया कि नजदीक आ रहे हैं, इस लोकसभा में कहीं ना कहीं जो कन्या सुमंगला योजना की जो धनराशि बढ़ाई है उससे भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से ये राशि का लाभ मिलेगा तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है ये आगामी लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। तो आपको फरमान बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में जो बेटियों को 25,000 रुपए दिया जाएगा, ये 6 श्रेणियों में दिया जाएगा। पहले जो 6 श्रेणियों में 15,000 रुपए दिए जाते थे और अब वित्तीय वर्ष 2024-25 से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की घोषणा पहले कर दी गई थी और अब इसे लागू भी करने के लिए आदेश जो है महिला कल्याण विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। इस योजना में बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक डिप्लोमा में प्रवेश तक यह राशि 6 श्रेणियों में दी जाएगी। इन सभी श्रेणियों में दी जाने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की गई है और पहली अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 2024 से इसका लाभ भी मिलने लगेगा। तो महिला कल्याण विभाग की निदेशक संदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस राशि को बढ़ाने की घोषणा की थी और पहले जन्म के समय 2,000 रुपए दिए जाते थे आपको बता दें और अब वित्तीय वर्ष 2024 और 26 से बढ़ाकर इसे 5,000 रुपए कर दिया गया है और जो एक वर्ष के सभी टीकाकरण पूर्ण होने पर अभी तक 1,000 रुपए दिए जाते थे, अब यह राशि बढ़ाकर फरमान 2,000 रुपए कर दी गई है। यानी कि जो पहले 1,000 रुपए राशि थी उसे अब 2,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं बालिका के कक्षा प्रथम में प्रवेश पर जो अभी तक 2,000 रुपए दिए जाते थे अब इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिए गए हैं और जो चौथी श्रेणी की बात करें तो कक्षा 6 में जब जो प्रवेश हो गया तो सरकार जो अभी तक 2,000 रुपए दे रही थी अब यह राशि जो है 3,000 रुपए कर दी गई, यानी कि 1,000 रुपए बढ़ा दिया गया है जो कक्षा 6 में जब प्रवेश होगा। अब पांचवी श्रेणी में जो है कक्षा 9 में प्रवेश पर तो अभी तक सरकार जो है उत्तर प्रदेश की वो 3,000 रुपए दे रही थी और इसे बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया, यानी कि जो है अब 2,000 रुपए और बढ़ा देगा, कुल मिलाकर 5,000 रुपए जो है जब कक्षा 9 में प्रवेश होगा तब दिया जाएगा। वहीं छठवीं श्रेणी यानी कि छठी श्रेणी जो अंतिम श्रेणी है उसमें आपको बता दें कि 10वीं से 12वीं उत्तीर्ण करने पर जो है 2 वर्ष के होते थे या तो उससे अधिक कोई अगर डिप्लोमा कर रहा है या स्नातक में प्रवेश कर लिया है या तो जो है अभी तक 5,000 रुपए दिए जाते थे, अब इस राशि को बढ़ाकर 7,000 रुपए कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह पूरी जो धनराशि होगी वो पहले 15,000 रुपए थी 6 चरणों में दी जाती थी और अब इस राशि को बढ़ाकर फरमान 25,000 रुपए कर दी गई है। और ये बड़ी खबर है, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जो राशि 15,000 रुपए बेटियों को दिया जा रहा था उनके जन्म से लेकर डिप्लोमा की पढ़ाई तक स्नातक की पढ़ाई तक, अब उसमें जो है 10,000 रुपए का इजाफा हो गया है और 1 अप्रैल 2024 से ये लागू भी होने की बात कही गई है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो आगामी 1 अप्रैल 2024 से जो है यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले ही ये तोहफा बेटियों को मिलेगा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और जो पहले 15,000 रुपए दिए जा रहे थे अब ये जो है राशि बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई, जिसे 6 श्रेणियों में वही स्थिति जैसे पहले था 6 श्रेणियों में बांटा गया था उसे भी अभी भी जो है वही 6 श्रेणी में दिया जाएगा फरमान। बिल्कुल निशान जी, तो यह महत्वपूर्ण खबर इंडिया पर आ रही है। कन्याओं के लिए योगी सरकार ने तोहफा दिया है। कन्या सुमंगला योजना के तहत धनराशि बढ़ाई गई है। जो 6 श्रेणियों में धनराशि पहले दी जाती थी 15,000, उसे बढ़ाकर अब 25,000 कर दिया है। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए आपका शुक्रिया निशान जी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।